मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की स्तुति हो। हर दिन जब हम शुरू करते हैं, हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति कह दीजिए। आज का दिन हम देख पा रहे हैं तेरा अनुग्रह, तेरी महिमा हो, तेरा अनुग्रह भरा रहे। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ क्या आपको उपयोग हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आप डालते हो। अगर आप फेसबुक में हो तो जरूर जाकर दूसरों को इसे स्प्रेड कीजिए, ठीक है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप अपने आप को बहुत नीचा मत समझिए, ठीक है। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी मुसीबतें सब होंगे, पर एक तरफ वो सब होंगे, एक तरफ परमेश्वर होगा, उसकी अनुग्रह होगी। परमेश्वर की स्तुति हो। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही आनंद का दिन होगा। आज का वचन मालूम है क्या है? मैं बाइबल खोलकर पढ़ता हूं, उत्पत्ति 41वां अध्याय। उत्पत्ति 41वां अध्याय और 38वां वचन। इसलिए फिरौन ने उसके कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? कौन इसे कह रहा है? जेल में डालने वाले फिरौन के मुंह से आता है, और यूसुफ जो है वहां पर कैदी बनकर रह रहा है, पर यहां पर फिरौन के सामने उसे खड़ा करता है। वह कैसा हुआ? अंधकार के शासन में रहने वाला व्यक्ति अभी कैसे राजा के सामने कैसे खड़ा कर सकता है, कैसे हो सकता है? विषय क्या है? उस यूसुफ के अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य थी जो प्रकट हुई। वचन बताती है, खजाने को प्रकट करने वाला अनुग्रह, खजाने को जो है प्रकट करने वाला परमेश्वर की आत्मा। तो इन आखिरी दिनों में बहुत ही टफ टाइम है कि आपके घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या डिसीशन ले समझ में नहीं आ रहा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हे पिता तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं इस कार्य को, मैं दखलअंदाज करूं या ना करूं, आगे चलूं या ना चलूं। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे जरूर प्रकट कीजिए। कभी कभी दर्शन के द्वारा दिखाएगा, कभी सपनों में दिखाएगा, दूसरे लोगों के द्वारा बात करेगा, किसी न किसी रीति से परमेश्वर दिखा देगा, ठीक है। तो जब तक वो दिखा नहीं देता, जब तक वो बोल नहीं देता, प्रार्थना करते रहिए। इसमें विशेषता यह है कि खजाने को, छिपी हुई बातों को परमेश्वर दिखाता है, वो एक अनुग्रह है। मैंने बहुत बार सेवकाई में देखा है, निश्चय रूप से परमेश्वर आज आपको वह अनुग्रह देगा। प्रार्थना करें, आमेन। उस छिपी हुई बातों को दिखाने वाला, प्रकट करने वाला अनुग्रह जो है, जेल के अंदर जो कैदी है उसे राजा के स्थान तक पहुंचाती है। जो आपको परमेश्वर नहीं चला सकता, निश्चय रूप से चलाएगा। प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हर दिन पवित्र आत्मा ही हमें चलाता है ना, तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भार के साथ करता हूँ। आए मैं अपने बच्चों को लेकर क्या करूं, मेरे बेटे के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपने कर्जों को मैं कैसे चुकाऊंगा, इसको मैं खरीदूं या ना खरीदूं, मैं साहसपूर्वक इसमें उतरूं या ना उतरूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हूं। परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए मैं भार से प्रार्थना करता हूं, तेरे द्वारा दिए गए अभिषेक में तू भर कर, छिपी हुई बातों को प्रकट करके तेरे पवित्र नाम की महिमा कर। मांगने वाला सब व्यक्ति पाता है, मांगने वाला हर एक व्यक्ति पाता है। अभी तेरे बच्चों को तू देने वाला तेरे कोटि धन्यवाद, तेरी ही महिमा हो। अभिषेक में भर कर अग्नि से भड़का दे, तेरा सामर्थ वहां प्रकट हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। निश्चय रूप से परमेश्वर आपको चलाएगा, बहुत ही मीठा और मिठास भरा, आश्चर्य से भरा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय, अपनी आशीषें हमसे जरूर बांटें, दूसरों को जरूर शेयर करें। हिंदी भाषा में बोलने वाले लोग, हे परमेश्वर इन अनुग्रहों को और हमें दो, ऐसा प्रार्थना कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल
cbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।